स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवेन प्रीवियस क्लास रे आमे इतिहास बहर प्रथम अध्याय जहाँकि नूतन शक्तिर अभ्युत्थान से पार्ट वन आउ पार्ट टू पढ़ी पार्ट वन आम पढ़ी ऐतिहासिक मैंने उपादान से संबंध में पढ़ी सेकेंड पार्ट्रे आम तुर्क आक्रमण तुर्क मान आक्रमण जो थे कि आम सुल्तान महमूद भारत आक्रमण संबंध में पढ़ी आम पढ़ी अफगानिस्तान रे गजनी नामक गोटे राज्य प्रतिष्ठा होता महमूद मृत्यु पर सुल्तान महमूद मृत्यु पर से गजनी राज्यर पतन हो जाता एवं अफगानिस्तान रे घोर नामक अन्य एक राज्य प्रतिष्ठा होता यार शासक थे महम्मद घोरी। महम्मद घोरी मध्य भारत को आक्रमण करते बर्तमान आम जाना महम्मद घोरी भारत आक्रमण संपर्क प्रथम आम टाइम लाइन चार्ट को देखने 1149 से जन्मग्रहण करते 1175 से मुल्तान को अधिकार करी भारत मध्य को प्रवेश करते आक्रमण करने 1191 तिरोरी ठारे प्रथम तिरोरी युद्ध होता महम्मद घोरी एवं पृथ्वीराज चौहान मध्य महम्मद घोरी परास्त होते 1192 द्वितीय तिरोरी युद्ध होता पृथ्वीराज चौहान एवं महम्मद घोरी मध्य से पृथ्वीराज चौहान परास्त होते शेषे 1206 ख्रीष्टाब्दर लाहौर ठारे महम्मद घोरी प्राणत्याग करते आम डिटेल देखा द्वादश शताब्दी शेष आड़ घोर राज्यर शासक महम्मद घोरी भारत को आक्रमण करते उत्तर भारत को जय कर भारतर उत्तर अंचल तक उत्तर भारत को जय कर से निज राज्य मिसेवा लक्ष्य था कहार ना महम्मद घोरी लक्ष्य था भारत जिते सब धनरत्न थिला भारत को आक्रमण करने प्रेरित करथिला अर्थात ये धन संपत्ति पाई धनरत्न पाई से आक्रमण करथिले भारत को मध्य महम्मद घोरी 1175 ख्रीष्टाब्दरे मुल्तान को प्रथम अधिकार कले जहाँ भारत को आक्रमण करने पथ प्रस्तुत हो जाता यहपर से सिंधु प्रदेश तापर पंजाब आपको सब अधिकार करे दिल्ली आड़क अग्रसर है सेतेबेले दिल्ली रे चौहान वंशर राजा पृथ्वीराज शासन करुथिले पृथ्वीराज चौहान राजपूत मानंकु संगठित करी बा एकत्रित करी सेमानंक सहायता रे महम्मद घोरी को 1191 ख्रीष्टाब्दरे तिरोरी ठारे परास्त करथिले एहाकु प्रथम तिरोरी युद्ध कहुए प्रथम तिरोरी युद्ध मन रखा 1191 होता महम्मद घोरी एवं पृथ्वीराज चौहान मध्य एथिरे महम्मद घोरी परास्त होते महम्मद घोरी अन्य एक ना थिला जहाँकि साहब उद्बीन महम्मद राजपूत मानकर क्यों गुण थिबारु पृथ्वीराज से मानकु सहायता नहीं थिले महम्मद घोरी को परास्त करने आम सांग मानक सहित आलोचना करके लिखिबा पिला मानक एटा होमवर्क महम्मद घोरी प्रथम तिरोरी युद्ध रे परास्त होइतिले से कथा को से भूली पारि नथिले से पराजय को से ग्रहण करि पारु नथिले से पुनर्बार आउ थरे भारत को आक्रमण कले ठीक गोटे वर्ष द्वितीय तिरोरी युद्ध होइतिला पृथ्वीराज एथिरे परास्त होइतिले एवं महम्मद घोरी दिल्ली को अधिकार करिनेले एहा देखि अर्थात पृथ्वीराज कर परास्त देखि कन्नौज ठारे राठौर वंशीय शासक थिले किए ना जयचंद्र से राजपूत मानंकु एकत्रित करी जयचंद्र राजपूत मानंकु एकत्रित करी महम्मद घोरी को चांदुआर युद्ध क्षेत्र में भेटिथिले चांदेरी नामक स्थान रे एटा हेतिला चांदुआर युद्ध क्षेत्र में भेटिथिले किए भेटिथिले ना जयचंद्र भेटिथिले काहाकु महम्मद घोरी को एही युद्ध रे महम्मद घोरी जयचंद्र को पराजित करी भारतर विपुल धनरत्न स्वदेश को दे जाते मन रखा आम चांदुआर युद्ध क्या क्या मध्य होता जयचंद्र एवं महम्मद घोरी मध्य जयचंद्र परास्त होते महम्मद घोरी भारतर विपुल धनरत्न नहीं कि स्वदेश को अर्थात निज देश को से फेरी जाते से फेरी जाते कि मुख्य सेनापति जी कुतुबुद्दीन ऐबक से बुंदेलखंड कालिंजर एवं माहोबा अंचल को अधिकार करने थे भारत में आउ जन सेनापति थे किए ना इख्तियारुद्दीन खिलजी
ସେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗ ଆଉ ବିହାରକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ମନେ ରଖିବା, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, କାଲିଞ୍ଜର ଆଉ ମାହୋବା ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସେନାପତି ଇକ୍ତିଆରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି ସିଏ ବଙ୍ଗ ଆଉ ବିହାରକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦାସବଂଶ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା, ଦାସବଂଶର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ ନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ଏହାପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଲାହୋରଠାରେ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆମେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।